अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज यूनिवर्सिटी सियालकोट, एडमिशन आर ओपन। तो गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट के एडमिशन दोनों ओपन हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से जो ना आप इनके एडमिशन के वाले से जो है इनकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है मैं आपके सामने इनका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म जो है शेयर कर दूँ। एडमिशन ओपन फॉर 2023 ऑनलाइन BS, BBA, BFA सेमेस्टर जो ना फिफ्थ सेमेस्टर में, ठीक है। BEd, MS, PhD प्रोग्राम अप्लाई ऑनलाइन, ये आपने जो ना अप्लाई करना है। एप्लीकेशन सिर्फ फीमेल ही यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। BS प्रोग्राम रेगुलर मॉर्निंग में, अप्लाइड केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमी, एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, टेक्सटाइल डिजाइन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, इस्लामिक स्टडी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, उर्दू और जोलॉजी, ठीक है। BS प्रोग्राम में सेल्फ सपोर्टिंग में आफ्टरनून प्रोग्राम है उसमें बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमी, एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उर्दू और जोलॉजी के डिग्रीज प्रोग्राम है। उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन ओपन है BS मॉर्निंग में, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर लिखा है कि मॉर्निंग और सेल्फ, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है ना मॉर्निंग में ऑफर हो रहे हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है ना वो सेल्फ में भी ऑफर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम जो फिफ्थ सेमेस्टर के हैं, BS फिफ्थ सेमेस्टर के, वो ये प्रोग्राम जो है ना मॉर्निंग में भी ऑफर हो रहे हैं। बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमी, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, पेंटिंग और टेक्सटाइल डिजाइन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस्लामिक स्टडी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, उर्दू और जोलॉजी। उसके बाद जो ना जो सेल्फ में प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि इवनिंग में, वो बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, उर्दू और जोलॉजी। उसके बाद BEd 1.5 ईयर एजुकेशनल डिपार्टमेंट में मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों में जो है ना वो प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। और MS के जो प्रोग्राम है, MS बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्लिनिकल साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, एजुकेशनल इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, इस्लामिक स्टडी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद सोशियोलॉजी, उर्दू और जोलॉजी। और PhD रेगुलर में जो प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू और जोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है BBA, BFA सेमेस्टर में, जो फिफ्थ सेमेस्टर है BEd प्रोग्राम में, वो 15 अगस्त है, ठीक है। और जो MS और PhD में अप्लाई करने की लास्ट डेट है, MS में 24 अगस्त है, PhD में 20 सितंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, फॉर BS प्रोग्राम ओनली, ओपन मेरिट, ठीक है। सेल्फ सपोर्ट वगैरह पे यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय, उसके बाद डिसेबल मिनोरिटीज़ जो ना स्पोर्ट बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोकुलर एक्टिविटीज़ पे, बलोचिस्तान थ्रू नॉमिनेशन वोट, ठीक है। उसके बाद जो ना अवार्ड ऑफ शोधा, ठीक है, अवार्ड डिसेबल सर्विस है रिटायर्ड, तो मतलब ये स्टूडेंट जो ना फाटा वगैरह, AJK वगैरह के स्टूडेंट जो ना, गिलगित बलोचिस्तान के स्टूडेंट, फॉरन कोटा स्टूडेंट, ओवर सीरीज पाकिस्तानी वगैरह जो ना इस कोटा बेस पे जो ना अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया अगर हम देखें BS, BBA और BFA का, तो उसमें जो ना वो स्टूडेंट पार्ट वन, ठीक है, या सेकेंड वी एन से अबव होनी चाहिए, आपकी सेकेंड ईयर से अबव, सेकेंड वी एन से अबव होनी चाहिए, ठीक है। और एज जो है वो 24 ईयर एज है, ठीक है, उससे जो है ना अबव आपकी एज ना होनी चाहिए। नो एज लिमिट ऑफ सेल्फ सपोर्टिंग, सेल्फ सपोर्ट में जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहती हैं वो उनकी जो ना वो एज लिमिट जो ना वो जो ना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए आपके। फॉर BS कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अप्लाई करने के लिए जो ना 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। पार्ट वन FSC प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट वगैरह, ठीक है। आफ्टर सिक्योरिंग एडमिशन इफ अ स्टूडेंट फेल फुल एग्जाम और सब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसमें बेसिकली ये लिखा है कि अगर आपका पार्ट टू का जो है ना रिजल्ट आता है और पार्ट टू के रिजल्ट में जो है ना आपकी किसी सब्जेक्ट में सप्ली है या आप फेल हो जाते हो, ठीक है, तो फिर जो है ना यूनिवर्सिटी आपका जो है ना एडमिशन कैंसिल कर देगी। इन केस ऑफ लास्ट सेशन 2% मार्क्स विल बी डिडक्ट फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर आपने प्रीवियस ईयर में जो ना FSC की है और आप अभी अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2022 में किसी स्टूडेंट ने FSC की है और वो अभी अप्लाई कर रहा है, तो उसके जो ना 2% मार्क्स जो है डिडक्ट किए जाएंगे। प्लीज़ विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ठीक है। फर्दर डिटेल के लिए आप इनकी वेबसाइट्स पे भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट, फॉर एडमिशन फाइन आर्ट्स, पेंटिंग एंड टेक्सटाइल क्वालिफाइंग डिपार्टमेंट टेस्ट इन मैंडेटरी, ठीक है। जो फाइन आर्ट्स, पेंटिंग और टेक्सटाइल डिज़ाइन का जो प्रोग्राम है उसमें जो ना टेस्ट मैंडेटरी है, वो 17 अगस्त को जो ना आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ऐसे ही जो ना फिफ्थ सेमेस्टर में अप्लाई करने के लिए 2 से अबव CGPA होनी चाहिए, 45 अबव मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। जो एज लिमिट है वो 26 है, सेल्फ सपोर्ट में एज लिमिट नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव सबमिट एन इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बिफोर द क्लोजिंग डेट ड्यू टू इशू बाय द इक्विवेलेंस कमेटी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी जो ना सियालकोट, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द डिग्री इक्विवेलेंस आर अवेलेबल टू द ऑफिस, ठीक है। तो ये जो ना फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जो ना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कैंडिडेट हैविंग BS
बीबीए, एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह और इक्विवेलेंट 16 ईयर एजुकेशन आपने की हो, ठीक है, 2.5 से अबव सीजीपी होनी चाहिए, ठीक है, सेकंड बी एन से अबव होनी चाहिए, 60% अबव मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, सीजीपी नॉट मेंशन ऑन द टर्मिनल डिग्री, 60% मार्क्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो उसके बाद एमएस में अप्लाई करने के लिए जो है 2.5 से अबव सीजीपी होनी चाहिए, 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, सेकंड बी एन इन टर्मिनल डिग्री, ठीक है, उसके बाद 60% से अबव जो है ना आपके मार्क्स होने चाहिए, सीजीपी नॉट मेंशन ऑन द टर्मिनल डिग्री, 60% मार्क्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो उसके बाद कैंडिडेट शैल हैव स्कोर एटलीस्ट कॉमुलेटिव 50% मार्क्स इन द यूनिवर्सिटी एंटी टेस्ट एंड 50% मार्क्स इन इन टू एलिजिबल टू एडमिशन, मतलब एंटी टेस्ट में भी 50% मार्क्स और जो है इंटरव्यू में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। पीएचडी में अप्लाई करने के लिए 3 से अबव सीजीपी होनी चाहिए, ठीक है, 70% से अबव मार्क्स होने चाहिए आपके जो है टेस्ट में और फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, ठीक है, 60% से अबव जो है ना आपके मार्क्स होने चाहिए टेस्ट यूनिवर्सिटी एंटी टेस्ट और 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए आपके इंटरव्यू में, ठीक है। उसके बाद जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर सीजीपी इज नॉट मेंशन, अगर एनुअल सिस्टम है तो 70% से अबव मार्क्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है, यहाँ पे मेरिट लिस्ट के वाले से लिखा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो लगेगी बीएस, बीबीए, बीएफए, बीएड फिफ्थ सेमेस्टर वगैरह की, रेगुलर वगैरह की, ठीक है, वो लगेगी 23 अगस्त को, सेकंड 29 को और 4 सितंबर को, थर्ड सेल्फ वोटिंग थोड़ा सा लेट लगेगी, वो 5 सितंबर को पहली लगेगी, 11 सितंबर को सेकंड और 15 सितंबर को दूसरी, ठीक है। ऐसे जो ना क्लासेज जो है वो 18 सितंबर से जो है शुरू होंगी। एमएस एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट जो है वो 29 अगस्त को होगा, ठीक है, इंटरव्यू 31 अगस्त को होगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और क्लासेज जो है 18 सितंबर से शुरू होंगे। पीएचडी का भी टेस्ट जो है 26 सितंबर और 27 सितंबर को इंटरव्यू होगा और जो है 18 अक्टूबर को जो है आपकी क्लासेज लगेंगी, ठीक है। पीएचडी फॉर ओपन एंड रिजर्व कोटा सीट सेपरेट एडमिशन फॉर्म शुड बी सबमिट, ठीक है, अगर आप जो है ओपन मेरिट पे भी अप्लाई कर रहे हो और जो है कोटा सीट की बेस पे भी अप्लाई कर और कोटा सीट की बेस पे भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है सेपरेट फॉर्म जो है सबमिट करवाना पड़ेगा। फिल ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म केयरफुली, ठीक है, एनी मिस्टेक इन ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कैन बी रिजल्ट कैंसिलेशन ऑफ एडमिशंस, ठीक है, अगर कोई मिस्टेक होती है तो आपका जो ना रिजल्ट जो ना वो एडमिशन जो ना वो कैंसिल भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान से जो ना आपने फिल करना है। उसके बाद अप्लाई आपने कैसे करना है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का मेन जो ना इंटरफेस है, यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो एक जो ना ऐसा इंटरफेस जो ना आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले ये हो टू अप्लाई का प्रोसीजर भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ से वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले अपना साइन अप यानी कि अकाउंट क्रिएट करेंगे, सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर करेंगे, पासवर्ड करेंगे, पासवर्ड कंफर्म करेंगे, अपना फुल नेम लिखेंगे, अपना सेल नंबर लिखेंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद जो ना आप यहाँ पे जो ना अपना सीएनआईसी और वही पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो टू अप्लाई का सारा प्रोसीजर लिखा है, ठीक है, साइन अप, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, ठीक है, ये यहाँ पे वीडियो भी है, ठीक है, वीडियो से देख के भी जो ना आप ऑनलाइन फॉर्म जो है सारा सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल सा प्रोसीजर यही है कि आपने सबसे पहले लॉगिन करना है, उसके बाद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, फिर किस डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना है, फिर जो प्रोसेसिंग फी है इसमें अप्लाई करने की वो यहाँ पे उसको जो ना बैंक में सबमिट करवाना है, ठीक है। तो ये फिर जो है ना उसको अपलोड करना है, तो ये सारा प्रोसीजर था। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दो मियाँ रखेगा अल्लाह।